कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ऑयल टैंकर में आग लगने से धमाका हो गया। 3 गैर मुल्की हलाक, 17 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले 3 गैर मुल्की अफराद की शनाख्त कर ली गई। जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज। जख्मियों में खातून कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार भी शामिल हैं। धमाके में 10 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वजीर दाखिला, गवर्नर आरजी सिंह और डीजी रेंजर्स का जाय वकुआ का दौरा। हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर ऑयल टैंकर के बाइस धमाका हुआ है। वजीर आला सिंह ने वाकये का नोटिस लिया, पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली। इस वक्त जो क्राइम सीन है वहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा। काफ़ी आग लगने से जो है वो बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई हैं, जिसको हम अभी असर्टेन कर रहे हैं। जो इनिशियल इतला हुई है वो एक ऑयल टैंकर जो है उसके आग लगने से जो मुतअद्दिद गाड़ियां जो है वो उसकी जद में आई हैं और उससे बहुत सारा कोलेटरल डैमेज हुआ है। इसमें दहशतगर्दी का एलिमेंट या कोई और एलिमेंट जो है तकरीबकारी का, वो किस हद तक है जिसको हम अभी रूल आउट नहीं कर सकते। आग लगने के बाद क्राइम सीन पर कुछ समझ नहीं आ रहा। डीआईजी ईस्ट अजफर महीसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी का आंसर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आग इब्तदाई तौर पर ऑयल टैंकर में ही लगी, धमाके के बाद गाड़ियों में आग लग गई। वाकये की मुकम्मल रिपोर्ट तफ्तीश के बाद बाजी करेंगे। इत्तलात है कि धमाका आईईडी है। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार ने कहा धमाके से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल की जा रही हैं। गवर्नर सिंध की भी मीडिया से गुफ्तगू, कहा आवाम अफवाहों पर कान ना धरे, सूरत हाल का जायजा लेकर तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। जैसे ये क्रॉस कर रहे थे ना, जैसे सब लोग क्रॉस करते हैं, मैं भी पीछे गाड़ी चला रहा था तो बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ। समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, तो काफ़ी देर तक मैं पूछता रहा कि ये यार ये हुआ क्या है ना, मुझे तो खुद भी नहीं पता क्योंकि बैक साइड पे हुआ था। और उधर से मैं बड़ी रगड़ रगड़ के गाड़ी बड़ी मुश्किल से इधर तक घसीट के लाया हूँ, और वरना क्योंकि आग लग रही थी, मैंने कहा ऐसा ना आग और बढ़ जाए। जब ब्लास्ट हुआ तो आगे यही गाड़ी थी। धमाके की जोरदार आवाज सुनाई दी, पीछे देखा तो गाड़ियों में आग लगी हुई थी। एनी शाहिद की पब्लिक न्यूज से गुफ्तगू, कहा थोड़ी देर पहले ही वहां से गुजरा, वाकये के बाद कुछ समझ नहीं आया। अली अमीन गंडापुर 24 घंटे लापता रहने के बाद मंजरे आम पर आ गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ड्रामाई एंट्री, अपने खिताब में कहा मैं तो केपी हाउस इस्लामाबाद में ही था, उन्हें नहीं मिला। ये है परफॉर्मेंस, किस चीज़ की एफआईआर, क्या जुर्म किया है, डी चौक पहुँचने का कहा और वहां पहुंचे। अली अमीन गंडापुर बोले किस बात का खौफ है, हमें जलसों की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही, कभी कहना तो कभी संग जाने की मवेशी मंडी में जलसे की इजाज़त दी जाती है। कहा धमकियों से नहीं डरता, गवर्नर राज का तजर्बा कर लो, ना अहल भी करना है तो कर दो, फिर आ जाऊँगा। के पी हाउस पर हल्ला बोला गया, शेलिंग की गई, जिम्मेदारों को माफ़ी मांगना होगी, एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा, मुल्क का एक आइन है जिसका तहफ्फुज़ करना है। भागे फिर छुप गए और अचानक नमूदार हो गए। अली अमीन गंडापुर बताएं 24 घंटे कहां थे। वफाक वजीर इत्तला अताउल्लाह तारर का वीडियो पैगाम, कहा अली अमीन गंडापुर अपने साथियों को छोड़कर केपी हाउस चले गए और रूपोश रहे, वो एक गैर जिम्मेदार शख्स हैं। दुनिया को बताने की कोशिश की गई, एक सूबे का वजीर आला अगवा कर लिया गया। उमर अयूब और बैरिस्टर सैफ से पूछता हूँ कि कोई ऐसे अगवा होता है, उनका मकसद गैर मुल्की वफूद के दौरों को सबोताश करना था, जिसके लिए एक ड्रामा किया गया। रेड किया था रेंजर पुलिस का, तो उस टाइम पे वो वीडियो रिलीज़ की, ब्लू कुर्ता शलवार में निकला, वही कुर्ता शलवार पहन के निकला हुआ है कि नहीं, तो वही कंफर्म किया कि वही कुर्ता शलवार में निकला हुआ है। वो निकल गए थे, नाकाबंदी थी, सारा कुछ था। जब पुलिस ने छापा मारा गंडापुर निकल गए थे। विफाक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने वीडियो जारी कर दी, नाकाबंदी के बावजूद गंडापुर निकल गए थे। उनकी कोशिश है कि किसी तरह धरना दें, किसी तरह डेड बॉडी मिले, उनके अजायम पूरे नहीं हुए। पीटीआई की क्यादत जलसे का टाइम देकर खुद घरों में बैठी रहती है। पीटीआई की क्यादत मुस्तकबिल में सिर्फ कारकुनों को जेल भिजवाएगी।
अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार नहीं, रूपोश हुए थे। ये गिरफ्तारी का इल्जाम लगाने वालों के मुंह पर तमाचा है। वजीर आला केपीके के मंजर आम पर आने पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। कहा, अली अमीन कारकुनों को छोड़कर फरार हुए, पिछली बार भी ऐसा ही कर चुके हैं। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। लाशों की सियासत का तहरीक इंसाफ का मनसूबा नाकाम हो गया। उन्होंने पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे को प्रमोट किया है। अली अमीन गंडापुर सर से पांव तक एक ड्रामा है। असेंबली में पहुंचकर एक ड्रामा किया। लीग रहनुमा राणा सनाउल्ला की गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर से पूछे कौन से 12 इजला क्रॉस किए, क्या कराची पहुंच गए थे। उनका मकसद मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना और मुल्क को बदनाम करना था। पाकिस्तान माशी बहरानों से निकल रहा है और ऐसा ये लोग नहीं चाहते। ये एससीओ समेत सबोताश करना चाहते हैं। हम 100% इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि हम अपने शहीद कांस्टेबल के मुतल्लिक जो जो जिम्मेदार हैं, हम डेफिनेटली कानून के मुताबिक वो सारी चीज़ें करेंगे जिन्होंने ये किया, जिन्होंने करवाया और जो इसके मुजब बने। इट विल बी डन और इसमें किसी किस्म की कोई लेगेसी नहीं होगी। अभी तक हमने 878 शरपसंद गिरफ्तार किए हैं, जिनमें से 120 जो हैं वो अफगान नेशनल्स हैं। आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी कहते हैं कि यह एहतजाज नहीं, इंतशार धावा हमला था। पुलिस अहलकार की शहादत पे मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 10 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। दहशतगर्दी के दफात भी शामिल कर ली गए। कहा, 878 शरपसंद गिरफ्तार किए गए, 120 अफगानी भी शामिल हैं। एहतजाज करने वालों ने पुलिस पर जहरीली गैस की शेलिंग की। जांच की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं, ऐसे अनासिर को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ये कैसा पुरअम एहतजाज है, एक अहलकार को शहीद, सैकड़ों पुलिस अहलकारों को जख्मी किया गया। तहरीक इंतशार मुसल्ला जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी। दूसरों को अजियत देना, पुलिस पर तशद्दुद की सियासत नाकाबले कबूल है। तशद्दुद और दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का कांस्टेबल की शहादत पर इजहार अफसोस। कांस्टेबल अब्दुल हमीद की शहादत का जिम्मेदार 9 मई का मुजरिम है। मैं नहीं तो मुल्क को आग लगा दो, मार दो, सब चला दो की काबिले मजम्मत सोच पाकिस्तान की सोच नहीं हो सकती। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा से गंडापुर को असलहा आंसू गैस शेल देकर लाशें गिराने, खून खराबा करने के लिए बानी पीटीआई ने भेजा। ये दिन दरअसल 9 मई 2 था। निशाना जमहूरी इदारे, मकसद शंघाई कॉन्फ्रेंस मुलतवी करवाना और अदलिया पर कब्जा करना था। कहा, फितने को मालूम हो चुका कि खारजा तालुका दुरुस्त राह पर गामजन है, मईशत पटरी पर चढ़ गई और उसकी फितना सियासत खत्म नहीं हो रही। केपी हुकूमत की जानिब से एहतजाज के दौरान सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर वजारत दाखिला ने इंक्वायरी कमेटी तशकील दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार कमेटी के सरबराह मुकर। कमेटी सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करने का हुक्म देने वाले का तायुन करेगी। सरकारी मुलाजमीन के मुलव्वस होने और नाजायज हुक्म मानने वालों का भी तायुन किया जाएगा। कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। लश्कर खुशी की रस्म पीटीआई ने डाली है। 2016 में परवेज खटक ने इस्लामाबाद पर पहला हमला किया। 2022 में महमूद खान हमलावर हुए। अब अली अमीन गंडापुर ने विफाक पर लश्कर खुशी को मामूल बना लिया है। क्या दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई सियासी जमात ऐसे करती है। लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सोशल मीडिया पर पैगाम, लिखा, माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कशीदगी के बावजूद विफाक पर लश्कर खुशी नहीं की गई। एक और अहम बैठक, हुकूमती वफ्द की मौलाना फजलुर्रहमान से मुलाकात, सियासी सूरतहाल पर गुफ्तगू हुई। हुकूमती वफ्द की मौलाना को आज फलस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। ख्वाजा साद रफीक, नैयर बुखारी, नवीद कमर और शीरी रहमान पर मुश्तमिल वफ्द की मौलाना को आईनी तरमीम पर कायल करने की कोशिश।